विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। ये अवश्य अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण ही होंगे जिनका आभा मंडल ही इतने भव्य प्रकाश से सुशोभित हैं। वो स्वयं कितने अद्भुत होंगे। शांति शांति। यदि मुझे आप सभी को पहचानने में कोई भूल नहीं हो रही तो आप सभी अवश्य अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण ही हैं ना। इस संसार में एकमात्र आप ही हैं जिन्होंने सर्वाधिक पुण्य अर्जित किया है। विचित्र आकृति और छवि है इन सभी ब्राह्मण देवताओं की। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन हो तुम वत्स और यहां किस आशय से आए हो? हे महात्माओं, मैं नभक हूं, मनुश्राद्ध देव का पुत्र। मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके यज्ञ में सहायता कर आप सभी की अनुमति से यज्ञ संपन्न होने पर उसके अवशिष्ट को अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ वत्स, और हमारे यज्ञ के संपूर्ण होने के बाद उसका अवशिष्ट ले जाने की अनुमति देता हूँ। लंकेश, आपने तो कहा था नभक का वहाँ आगमन प्रभु के कृष्ण दर्शन अवतार का कारण बनने वाला था। ऐसा क्या हुआ था वहाँ? नभक से एक भूल तो हुई थी गौरी पुत्र। भूल? कैसी भूल लंकेश? नभक ने अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों से अनुमति प्राप्त करते ही यज्ञ की व्यवस्था आरंभ कर दी और सभी ब्राह्मण देवता यज्ञ आरंभ करने की प्रतीक्षा में अपने स्थान पर स्थित हो गए। ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत है इन ब्राह्मण देवताओं का दिव्य तेज जो इन्होंने अपने यज्ञ से अर्जित किया। वत्स नभक,
तुमने हमें इस यज्ञ को संपन्न कराने में बहुत सहायता कर अधिक पुण्य प्राप्त करने में जो हमारा सहयोग किया है वही पुण्य है जिसे हम अपने संपूर्ण जीवन में प्राप्त करते रहे हैं। हमने इस यज्ञ से जिस परिणाम को प्राप्त करने की कामना की थी वो हमें प्राप्त हो गया। अब तुम भी इस यज्ञ के अवशिष्ट को प्राप्त कर सकते हो। लंकेश, इस संपूर्ण घटनाक्रम में नभक से कोई भूल कहाँ हुई? उन्होंने तो यज्ञ भली भांति संपन्न करवाने में ब्राह्मण देवताओं की सहायता की। उनसे भूल तो यज्ञ पूर्ण होने पर ही हुई, जब उन्होंने यज्ञ के अवशिष्ट को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। क्या हो रहा है? मैं इसे उठाने में असमर्थ क्यों हो रहा हूं? श्री कृष्ण दर्शन अवतार, प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महादेव, प्रणाम महादेव। नभाग, तुमने यज्ञ के अवशेष को अपने साथ ले जाने का दुस्साहस कैसे किया? नहीं है तुम्हें कि यज्ञ के अवशिष्ट पर मेरा अर्थात रुद्र का अधिकार होता है? आपके प्रति दोष करने का मैं दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? मैं तो ये अवशिष्ट महान अंगिरिश गोत्रीय ब्राह्मणों की अनुमति से ले जा रहा था, जिससे मेरा और मेरे पिता का जीवन यापन संभव हो सके। जो उनका है ही नहीं उसे तुम्हें कैसे प्रदान कर सकते हो महान ब्राह्मण? क्योंकि प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के अवशिष्ट पर मेरा अधिकार स्थापित किया है। क्षमा कर प्रभु, यज्ञ के अवशिष्ट पर आपका अधिकार है, अर्थात प्रभु रुद्र का अधिकार है, परंतु आज से पूर्व इसे कोई भी अपने साथ नहीं ले जाता था, इसलिए हमने नभक को इसे अपने साथ ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। हमें क्षमा कर प्रभु। हे महाप्रभु, इसमें ब्राह्मण देवताओं का ही नहीं एकमात्र मेरा दोष है, किंतु अवशिष्ट की मांग तो मैंने ही की थी। हे परमेश्वर, हे देवों के देव, हे पशुपतिनाथ, यज्ञ के अवशिष्ट पर ही नहीं अपितु संसार के कण कण में आप उपस्थित हैं, इसलिए इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई देता है या जो भी अदृश्य है वो सभी आप ही का तो अंश है।
इसलिए समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस सभी पे आप ही का तो अधिकार है। तो यदि ऐसा है तो मनुष्य यज्ञ के माध्यम से मुझे वो क्यों अर्पित करते हैं जो सब कुछ मेरा है, फल फूल आदि सामग्री समर्पित कर ऐसा क्यों मान बैठते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ अपना ही अर्पित किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार एक माँ अपने बालक को गुड़ प्रदान करती है और बालक उस गुड़ को अपने मुख से निकालकर अपनी माँ को खिलाने लगता है, तब माँ उसे अपने बालक के स्नेह के रूप में स्वीकार कर लेती है। उसी प्रकार जगत में जितने भी धार्मिक व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा से प्राप्त किए हुए वस्तु हम आप पर नौछावर करते हैं। हे जगत पिता, जो कुछ भी दिया है वो आपने ही दिया है। मैं भला कौन होता हूँ स्वयं ये सब प्राप्त करने वाला, जो आपकी इच्छा के बिना यज्ञ का अवशिष्ट ले जाता। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे कर्म आपके ही तो हैं, मेरे पुण्य भी तो आपके ही हैं। मैं पूर्ण रूप से आपका ही तो हूँ। जब आप स्वयं मेरे साथ हैं तो भला मुझे और क्या चाहिए। तुमने कितनी सरलता से बिना किसी दुविधा के उस यज्ञ के अवशिष्ट के प्रति आसक्ति का त्याग कर दिया, जिसके इतने श्रम के परिणाम स्वरूप तुमने प्राप्त किया था। और तुम्हारे ही समान सभी को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब कोई मनुष्य किसी वस्तु पर अपना ही पूर्ण रूप से अधिकार मान लेता है, तब उसे सत्य का बोध कराने हेतु भगवान स्वयं उससे छीनने के लिए विवश हो जाते हैं। किंतु जिस प्राणी में संसार में जो कुछ भी है उसके साथ स्वयं को भी मेरा मान लिया है, तो फिर स्वयं संसार की प्रत्येक वस्तु स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, इसलिए तुम इस यज्ञ का अवशेष अपने साथ ले जा सकते हो। पुत्र नभग, प्रभु, नभक को आपने वो प्रदान किया जो उसे चाहिए था, किंतु हमारे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली है। प्रभु, हम दीर्घ काल से जिसकी कामना कर रहे हैं उसकी हमें प्राप्ति क्यों नहीं हुई, हमें मुक्ति क्यों नहीं मिल रही। प्रभु, हमारी वृद्ध अवस्था की इस चरम अवस्था में भी हमारी आयु समाप्त क्यों नहीं हो रही है। प्रभु, आपको तो अपने प्रश्न का उत्तर नभक के उदाहरण से ही प्राप्त होना चाहिए, किंतु अभी भी आपको ये ज्ञात नहीं हुआ कि आपसे कहाँ भूल हुई है, तो फिर आपकी जिज्ञासा पुत्र नभग ही शांत करेंगे। हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ये मेरा कहना आवश्यक है कि आपकी इस दशा का कारण आपकी आसक्ति है। आसक्ति? कैसी आसक्ति? पुत्र, हमारे पास है ही क्या जिससे हम आसक्त हो सके? पुण्य, वो पुण्य जो आपने आज तक अर्जित किए हैं उनके प्रति आसक्ति भाव रखने के कारण आपने प्रभु को समर्पित नहीं किया। उन पुण्यों का फल तभी तो प्राप्त होता है जब हम उनके प्रति आसक्ति के भाव से रहित होकर उन्हें ईश्वर को अर्पित करते हैं। इसलिए तो प्रत्येक यज्ञ के पश्चात ये कहा जाता है, ईश्वर को समर्पयामि, अर्थात हमने जो भी आपसे प्राप्त किया है वह आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, जब तक आप अपने पुण्य की आसक्ति से बंधे रहेंगे तब तक जगत से कैसे मुक्त होंगे आप सभी? विधाता सभी को एक निश्चित आयु के साथ संसार में भेजते हैं, किंतु ये आयु व्यक्ति के पुण्य के कारण बढ़ती और घटती भी है। आपके पुण्य के कारण आपकी आयु में निरंतर वृद्धि तो हो रही है, परंतु शरीर तो समय के साथ दुर्बल होता ही है। इसलिए संसार से अपने शरीर को मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को अपने पुण्यों के प्रति अपनी आसक्ति से मुक्त करना होगा।
हे प्रभु, नभक ने अपने शब्दों से हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। हम इसी क्षण अपने पुण्य आपको प्रदान करते हैं। नहीं, मुझे आपके पुण्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके पुण्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपके पुण्य की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पुण्य मुझे नहीं, पुत्र नभक को प्रदान कीजिए, क्योंकि वही उसको प्राप्त करने के योग्य है। आपकी पुण्य की शक्ति का उचित उपयोग एकमात्र पुत्र नभक ही कर सकता है, क्योंकि उसे किसी भी वस्तु अथवा सांसारिक सुख के प्रति कोई आसक्ति नहीं। इस प्रकार मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के कृष्ण दर्शन अवतार का आशीर्वाद पाकर नभक को मात्र यज्ञ का अवशिष्ट ही नहीं अपितु पुण्य का सागर ही प्राप्त हो गया। इस पुण्य के प्रति भी उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, इसलिए पलक झपकते ही जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया और वो चक्रवर्ती राजा बन गए। कल्याण हो। अर्थात लंकेश, प्रभु के इस अवतार से तो यही संदेश प्राप्त होता है कि कभी भी किसी को सांसारिक और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए एवं अपने अच्छे कर्मों एवं पुण्यों के प्रति भी कोई मोह नहीं रखना चाहिए। अन्यथा जिसके प्रति मनुष्य जितना आसक्त होता है उतने ही शीघ्र उसे खोने पर विवश हो जाता है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु कृष्ण दर्शन अवतार ने उत्तम जीवन का अगला यही सूत्र स्थापित किया। आसक्ति दुर्गति के पथ पर ले जाती है और आसक्ति विहीन होने से ही प्रकृति का पथ प्रशस्त होता है। जब राज्य विभाजन किया भाइयों को कुछ भी ना दिया, आज्ञा से पिता की ब्राह्मण यज्ञ को संपन्न किया। अवशिष्ट धन नभक को दे के ब्राह्मण जब चले गए तब शिव जी वहां कृष्ण दर्शन रूप ले प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। लंकेश, तुम्हारे हाथों में किसका आत्मा है? वो प्रभु। बताओ लंकेश, किसका है ये आत्मलिंग?
प्रभु ने इन आत्मलिंग को मुझे प्रदान किया है। अपनी तपस्या से मैंने इन्हें अर्जित किया है, इसलिए ये मेरे हैं। हाँ प्रभु, ये मेरे ही हैं। अनेकों बाधाएं आई मेरे मार्ग में, किंतु मैंने इन्हें नहीं खोया। ये मेरे हैं, मेरे प्रभु। इन्होंने स्वयं आसक्ति पर आधारित प्रभु के अवतार की कथा सुनाई है, फिर भी प्रभु की आत्मलिंग के प्रति अपनी ही आसक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। ये तो ज्ञात है ना आपको कि आसक्ति से ही दुर्गति है। प्रभु ने लंकेश को संकेत भी दिया, किंतु फिर भी ये कुछ नहीं समझ सके। इसलिए सत्य ही कहा जाता है कि अहंकार में महाज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। गौरी पुत्र, हमारे पास यहाँ रुकने का समय नहीं है। देखिए, सूर्यदेव पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, और आज के सूर्यास्त के पूर्व मुझे कोकण को पार कर छलांग लगाकर समुद्र तक पहुँचना है और फिर लंका। मेरे पास बहुत कम समय शेष है, तो अब मुझे अधिक जल प्रदान करना होगा इन्हें, तभी मेरी योजना सफल हो सकेगी। लंकेश, जल ग्रहण कीजिए। लंकेश, शीघ्र आपको महासागर पार करना होगा, इसलिए जितना जल ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए, जिससे आप में ऊर्जा बनी रहे और प्रभु के आत्मलिंग को जहाँ पहुँचना चाहिए वो वहाँ पहुँच सकें। रुकिए मत लंकेश, और जल ग्रहण कीजिए, करते जाइए, तभी तो वो होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या क्या चाहते हैं आप गौरी पुत्र? ओह, ये तो कदाचित बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ लंकेश, कि प्रभु के आत्मलिंग उनके उचित स्थान पर पहुँच जाए, किंतु उसके पूर्व आप मुझे प्रभु के अन्य अवतारों की कथा भी अवश्य सुना दें। ये स्वर कैसा? मुझे इस गिलहरी की सहायता करनी चाहिए। प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। फिर भी मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सके ना? मेरी गति, मेरी सूझबूझ से स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा कर ली मैंने। स्वयं की रक्षा। देखा गजानन, जब तक उस गिलहरी ने स्वयं की रक्षा को प्रभु शिव शंकर शंभू की कृपा पर आधारित किया हुआ था, वो निरंतर उसकी सुरक्षा करते रहे। किंतु जैसे ही उस गिलहरी में अहंकार का समावेश हुआ,
और उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि वो स्वयं ही अपनी रक्षा कर रही है। तब वो प्रभु की कृपा से वंचित हुई, वो काल का ग्रास बन गई। जब आप स्वयं को ही सब कुछ अर्थात अपने भाग्य के कर्ता धर्ता मानने लगते हैं, तो ईश्वर का साथ छूट जाता है। तो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं लंकेश, कि जो ईश्वर पर विश्वास रखकर सदा उन्हें अपने साथ रखते हैं, ईश्वर भी सदैव उनके साथ रहते हैं? उचित कहा गौरी पुत्र, प्रभु के अगले अवतार से तो हमें यही सीख प्राप्त होती है। प्रभु के कौन से अवतार लंकेश? भिक्षुवरीय अवतार। मैं प्रभु के इन अवतार की कथा सुनने के लिए अति उत्सुक हूँ। लीजिए लंकेश, जल से अपना कंठ तर कर लीजिए और फिर प्रारंभ कीजिए उनकी कथा। एक समय की बात है, एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभु के अनन्य भक्त राजा सत्यार्थ हुआ करते थे। उन्हें यह विश्वास था कि उनके निकट के राज्यों से उनका मित्रवत संबंध है, किंतु राजा सत्यार्थ को ये ज्ञात नहीं था कि उनके निकटवर्ती राज्य उनके राज्य के समृद्धि से ईर्ष्या रखते थे। और फिर इसी द्वेष के कारण एक दिवस एक समीप के राज्य की सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराज की जय हो, शत्रु सेना सीमा पर है, युद्ध आरंभ होने जा रहा है। विजय होकर लौटिएगा। और राजा सत्यार्थ बिना युद्ध के लिए तैयार अवस्था में ही युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने पर विवश हो गए और दुर्भाग्यवश वही उनका अंत हुआ। गर्भवती रानी को अपना राजभवन त्याग कर वनवास करने पर विवश होना पड़ा। किसी प्रकार रानी वहीं वन में छिपी रही और फिर उन्होंने उसी दीनहीन अवस्था में शीघ्रहीन एक पुत्र को भी जन्म दिया। स्वामी को खोने का दुख भोग रही हूं और अब इस राजमहल के स्थान पर अपने पुत्र को इस निर्जन वन में जन्म देने पर विवश हुई हूं मैं। किंतु ये तो प्रभु महादेव की ही कृपा है कि इतना सब होने के उपरांत भी तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो मेरे पुत्र। प्रभु की कृपा के बिना ये कदापि संभव नहीं था। पुत्र, हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखने हेतु यहाँ पर भी उपस्थित है प्रभु। मेरे प्रभु शिव शंकर है यहाँ हमारे साथ, हमारे निकट।
जिन्होंने इतने कष्ट सहे, पति को खोया, राज्य से बहिष्कृत हुई, वन में अकेली अपने नवजात शिशु के साथ विचरण करने में विवश हो गई, फिर भी प्रभु पर उनका विश्वास स्थिर रहा। ऐसी माँ की प्रभु के प्रति निष्ठा तो अत्यंत प्रशंसनीय है लंकेश। किंतु अनिष्ट ने उनका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। उनके साथ जो पूर्व में हुआ था, अब उससे भी भयंकर कुछ होने जा रहा था। देखो पुत्र, अब तुम्हारे पिता तो नहीं, किंतु तुम उनके अभाव से कभी प्रभावित मत होना। सदा जगत पिता महादेव में विश्वास रखना, प्रभु भोलेनाथ में आस्था रखना, क्योंकि अब वो ही तो तुम्हारे पिता हैं। वो सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। पुत्र, अब हम तुम मिलकर प्रभु महादेव की आराधना करेंगे, किंतु उसके पूर्व तुम्हारी माँ को स्नान करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा रही हूँ। देखो, तुम्हारे साथ स्वयं प्रभु महादेव हैं, इसीलिए तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी मेरे पुत्र। सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति से मुक्त होकर ही मनुष्य ईश्वर के समीप हो सकता है। जिसके हृदय में थी आरंभ से ही प्रभु के प्रति आस्था अपार, वो महादेव भिक्षुवर्य फिर कैसे बने उस भक्त बालक के पालनहार? देखिए विघ्नहर्ता गणेश में।